स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे नागरिक शास्त्र का इसमें सॉल्यूशन। 10 क्लास का मासिक जांच नागरिक शास्त्र जो कि नवंबर माह का है, नवंबर माह 40 नंबर का क्वेश्चन। नवंबर महीना में नागर में एग्जाम देकर के इसको जमा करना है, या अब स्कूल खुल गया है तो हो सकता है स्कूल में भी लिया जा रहा होगा, है ना। तो देख लीजिएगा जहाँ भी एग्जाम हो आप दे सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देखेंगे इसका, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 10 गो MCQ है, मल्टीपल चूज क्वेश्चन, टिक लगाने वाला क्वेश्चन जो कि 10 नंबर का, एक एक नंबर का सब क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सही नहीं है वो बताना है। क ख ग घ चार ऑप्शन दिया हुआ है चारों में। तो देखिए पहला, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा अधिकारों का वितरण है, तो सही है, अधिकारों का वितरण होता है विभिन्न अंगों के बीच। विभिन्न स्तर के सरकार के बीच अधिकारों का बंटवारा एकात्मक सरकार, तो ये गलत है ना। अगर बंटवारा हो रहा है तो एकात्मक सरकार में, एकात्मक सरकार में बंटवारा नहीं होता है अधिकारों का, है ना, उसमें एक ही का अधिकार है जो राजा है। तो ये दूसरा ऑप्शन गलत है, इसलिए इसमें बोला है कौन सुमिलित नहीं है, मतलब ये दूसरा ऑप्शन सही है, इसका आंसर होगा, ठीक है। इनमें से कौन बेल्जियम की भाषाई समूह नहीं है, डच, फ्रेंच समूह, जर्मनी, ये सब है, स्पेनिश नहीं है, ठीक है, तो स्पेनिश इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका ने किस राजभाषा घोषित की, राजभाषा श्रीलंका ने किसको, तो सिंहली उसका राजभाषा बना, है ना, श्रीलंका का। सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण में के अंतर्गत ये आते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर दिख रहा होगा, इनमें से कौन संघ सूची में शामिल विषय है, तो संघ सूची में शिक्षा, वन, विवाह, ये संघ सूची में शामिल विषय है। भारत के अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है, तो संथाली जो झारखंड की भाषा है वो भारत की अनुसूचित भाषाओं में शामिल है। यहाँ पे मैथिली भी हो सकता है, लेकिन संथाली लिख लीजिएगा क्योंकि संथाली झारखंड के ज़्यादा है। सत्ता की विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है, तो इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, तीनों की भागीदारी है। सेवन पार्टी अलायंस का गठन किस देश में किया गया, तो ये नेपाल में किया गया था, वहाँ नेपाल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, बोलीविया की सरकार ने कोचबंगा शहर में जल आपूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया, तो ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था, है ना। संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा की दर्जा दी गई, तो 22 भाषा उसमें संविधान में अनुसूचित भाषा में, है ना, 22 भाषा आंसर होगा। और उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आंसर लिखने वाला हो गया। अब बेल्जियम की जाति बुनावट के बारे में बताइए, इसका तो आंसर देखना होगा। तो आंसर में आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बेल्जियम के, यहाँ पे चलिए थोड़ा इसको सेट कर दे रहे स्क्रीन में, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, उसके बाद एक बार पढ़ देते हैं, ठीक है। देखिए और है ये, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया स्क्रीन में। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या था, बेल्जियम की जाति बनावट, है ना। तो बेल्जियम, यहाँ पे बेल्जियम लिखिएगा ना, बेल्जियम के समाज की जाति बनावट बहुत जटिल है। देश के कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग विलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेलस के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा, ठीक है। तो ये उनका बनावट है, भाषाई बनावट। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर में देखिए, श्रीलंका में तमिल एवं सिंहली समुदाय के संबंध क्यों बिगड़ते चले गए, संबंध उन दोनों में क्यों बिगड़ा, उसका आंसर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13 नंबर लिख दिए हैं, यानी 13 का आंसर है ये। 13 नंबर का आंसर हो जाएगा दोनों में क्या हुआ था, बहुसंख्यवाद के तहत सिंहलियों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया था, मानी सिंहलियों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सिंहलियों का एकाधिकार था, मतलब वही लोग का अधिकार था। सिंहली को एकमात्र राजभाषा का दर्जा भी था। तमिलों के हितों को दरकिनार कर दिया गया, तमिल का महत्व वैल्यू नहीं था।
तमिल की राजनीतिक अधिकार से तमिलों को वंचित कर दिया गया था, यही कारण था दोनों के बीच टकराव का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, संघवाद का शासन व्यवस्था को विशेषता लिखना है ना, या संघ शासन व्यवस्था का, तो संघ शासन व्यवस्था ये 14 नंबर का आंसर। ठीक है, संघ शासन व्यवस्था में सत्ता केंद्रीय सरकार और अन्य सरकारों में बंटी होती है, बंटा हुआ रहता है। संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाती है और राज्य सरकारें राज्य से संबंधित विषयों पर। दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। केंद्र तथा राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 15 नंबर, संघ शासन व्यवस्था के गठन के दो तरीका बताना है। ठीक है, संघ शासन व्यवस्था के गठन का दो तरीका, तो ये देखिए यहाँ पे संघ शासन व्यवस्था लिखिएगा, के गठन का लिए लिखा हुआ है, संघ शासन व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तरों को की सरकारों के बीच सत्ता की बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होनी चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। आदर्श संघ व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने की पर सहमति। ठीक है, एक हो गया। दूसरा, संघ शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपने आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। ठीक, अगला प्रश्न की ओर आते हैं, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है उसको बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ चार लिखा हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर हिसाब से जो सेट मिला है उसके हिसाब से, मतलब क्वेश्चन जो है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करना, सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, तो पहला है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करना, दूसरा यह लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है, तीसरा राजनीतिक अस्थिरता को कम करता है, सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी बनता है, इसलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। अगला प्रश्न 17 नंबर, बेल्जियम का कुछ क्वेश्चन था, 17 नंबर क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं एक बार। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का वर्णन करना है। ठीक है, तो बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इतना नहीं लिखिएगा, है ना, पूरा पेज ही हम डाल दिए हैं, इतना ना लिखे, कुछ कुछ पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों एवं सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए की कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सके। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील था है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल, विशेष जानकारियों के लिए देखे बॉक्स की, बेल्जियम की मॉडल की कुछ मुख्य बातें यहाँ पे निम्नलिखित है, यानी यहाँ से कुछ कुछ बातें को लिख दीजिएगा। जैसे पहला बात है, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रही, माने दोनों बराबर होनी चाहिए, फ्रेंच वाला भी और डच वाला भी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषा के समूह के संसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। कुछ भी कानून बनना तो दोनों का पक्ष ये होना चाहिए, सलामत हो, दोनों का पक्ष होना चाहिए उसमें। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एकतरफा फैसला नहीं कर सकता, कोई भी एक समुदाय एकतरफा फैसला नहीं कर सकता, तो ये बहुत बढ़िया बेल्जियम का वो कानून बना था। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है, यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, मतलब राज्य सरकार अपने मर्जी से, राज्य सरकार अपने हिसाब से राज्य को देखेगा, केंद्र पर डिपेंड नहीं करेगा। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों के समान प्रतिनिधि है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधि के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार की बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। तो ये सब कुछ बातें हैं, इसमें से कुछ कुछ पॉइंट लिख दीजिएगा, ये भी 17 का ही एक पॉइंट है उसी का, तो कुछ कुछ लिख लीजिएगा ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ से 2-4 पॉइंट लिख लीजिएगा, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, संघ सूची और
राज्य सूची और एक समवर्ती सूची, उसके बारे में 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए संघ सूची देखते हैं। इसमें आता है प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग, संचार, मुद्रा आदि राष्ट्रीय महत्व के विषय। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य और कृषि। उसके बाद सिंचाई भी राज्य सूची है, सिंचाई प्रांतीय महत्व के विषय। और समवर्ती सूची में आता है शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, अवशिष्ट शक्तियाँ। वे विषय जो अवशिष्ट शक्तियाँ में आते हैं, वे विषय जो ऊपर के तीनों सूचियों में नहीं है तथा जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो खैर क्वेश्चन जो यहाँ पे है इसमें अवशिष्ट शक्तियाँ के बारे में नहीं पूछा है, यहाँ पे तीन सूची के बारे में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची इतना लिखिएगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया, ये नहीं लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन 1992 अधिनियम 1992 में पंचायती राज का क्या ये है, उसको क्वेश्चन में है लिखना। तो उसका हो जाएगा ये देखिए, ये कौन सा 19 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित नियमों की चर्चा अनुच्छेद 243 में की गई है। भाग 9 में पंचायती नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से 243(9) तक पंचायती राज से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है। इस संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसके तहत पंचायतों को कुल 29 विषयों पर काम करने का अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम के तहत पंचायतों की 3 स्तर का विकेंद्रीकरण कर पंचायत की शासन व्यवस्था को आसान बनाया गया है, ठीक। उसके बाद ये 20 नंबर क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन देख लेते क्या था। 20 नंबर क्वेश्चन में है, किधर गया, हाँ, सत्ता की साझेदारी के 2 रूप का व्याख्या करना है, ठीक है। 20 नंबर में सत्ता की साझेदारी का दो रूप एक है ऊर्ध्वाधर वितरण, इसको देखेंगे, और एक क्षैतिज वितरण, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर वितरण में आएगा 20 नंबर का आंसर। इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों, केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार में सत्ता का बंटवारा होता है। इसमें उच्चतर तथा निम्नतर स्तर की सरकारें होती है। इसमें निम्नतर अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करते हैं। उसके बाद एक क्षैतिज वितरण इसी का होगा दूसरा। इसमें इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं और इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे को पर नियंत्रण रखता है, ठीक। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, 21 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एकात्मक शासन व्यवस्था। सबसे पहले देखते हैं तो एकात्मक शासन व्यवस्था, इसमें केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है। इसके अंतर्गत संविधान संशोधन केंद्र सरकार पर कर सकती है, केंद्र सरकार कर सकती है संविधान का संशोधन बिना किसी की इजाजत, बिना किसी की मर्जी के। शक्तियाँ एक जगह केंद्रित होता है, शक्ति सिर्फ एक के पास है, केंद्र सरकार। इसमें एक ही नागरिकता होती है। केंद्र सरकार राज्यों की से शक्ति ले सकती है और केंद्र सरकार के राज्य का शक्ति को भी ले सकता है। तो ये एकात्मक सरकार है, यानी किसी एक पर ही सारा कुछ है, किसी का कोई हक और नहीं है। और संघात्मक शासन क्या व्यवस्था क्या होता है, संघात्मक शासन व्यवस्था में इसमें केंद्रीय सरकार का अपेक्षाकृत कमजोर होता है, केंद्र सरकार उसके हिसाब से कमजोर होता है एकात्मक सरकार के हिसाब से। इसमें केंद्र सरकार अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकता, जिसे भारत में नहीं हो सकता, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। शक्तियाँ कई स्तरों पर विभाजित होती हैं, कई स्तर पर वो विभाजित रहता है, लोकसभा, राज्यसभा, इस तरह से। कई संघीय व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है। इन स्तरों, दोनों स्तर की सरकारों अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। दोनों स्तर की सरकार जो होता है अपना अधिकार क्षेत्र में वो स्वतंत्र है कुछ भी करने के, ठीक। तो ये रहा 21 क्वेश्चन का सोल्यूशन। समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई चैप्टर लेकर के या नेक्स्ट कोई सेट लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।